रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। 6 दिनों की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया, तो अमन साहू को कोर्ट में पेश किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक जुड़ चुके हैं। मनोज, 6 दिन की रिमांड समाप्त हो चुकी है, ऐसे में आगे और कितने दिन की रिमांड के लिए पुलिस पूछ सकती है और अब तक के इस रिमांड में क्या बातें निकलकर सामने आई है? जी देखिए, 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद रायपुर पुलिस ने आज अमन साहू को रायपुर कोर्ट में पेश किया था और इसके बाद जो है रायपुर कोर्ट में अमन साहू को अब जो है न्यायिक हिरासत में 28 अक्टूबर तक के लिए रायपुर केंद्रीय जेल भेज दिया। अब आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है अमन साहू रायपुर केंद्रीय जेल में ही रहेगा 28 अक्टूबर तक के। इससे पहले जो है वह जो है रायपुर पुलिस की हिरासत में था। इस दौरान जो है सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने उससे लंबी पूछताछ की, जिसमें उसने कई अहम राज उगले हैं। इससे पहले उसने जो है अपने गुर्गे भेजे थे पीआरए बारबरिक कंपनी के बाहर फायरिंग कराने के लिए। इसके बाद रायपुर पुलिस ने करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, और लगातार जो है अमन साहू की कस्टडी लेने के लिए झारखंड पुलिस से संपर्क कर रही थी रायपुर पुलिस। इसके बाद रायपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी कि अमन साहू को प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाया गया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर 6 दिन की पहले रिमांड ली गई थी और आज उसे फिर रिमांड समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। वहां से जो है उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जो और नाम सामने आने थे, क्या कोई और नाम सामने आए, कोई सफेद पोज जिसके संरक्षण में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, क्योंकि इसमें कई लोगों के नाम सामने आने की बात हो रही थी, ऐसे में कहां पर स्थानीय तार जुड़ रहे हैं, किस तरह से जुड़ रहे हैं और आगे की तफ्तीश कैसे आगे बढ़ने वाली है? जी देखिए, अमन साहू जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है इस गैंग ने जो है छत्तीसगढ़ में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, क्योंकि जो पूछताछ रायपुर पुलिस ने की है उसका खुलासा जो है रायपुर पुलिस नहीं कर रही है कि किन किन लोगों को इन्होंने मतलब थ्रेट दिया था या धमकी दी थी, लेकिन उन लोगों के नाम रायपुर पुलिस के पास आए हुए हैं। फिलहाल जो है इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है और आने वाले दिनों में उनके ऊपर भी जो है रायपुर पुलिस निगाह रखी हुई कि कहीं उन्होंने फिरौती तो नहीं दे दी है या देने की कोशिश तो नहीं हो रही थी और किन लोगों के साथ जो है इसकी डीलिंग चल रही थी। इसके अलावा जो है लॉरेंस अमन साहू के लिए और कौन कौन अभी जो नवयुवक काम कर रहे हैं उसकी गैंग के लिए, ये तमाम जो पहलू है इसका खुलासा भी रायपुर पुलिस नहीं कर रही। चलिए मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।